हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, आज के दिन हर किसी को पता था कि बाज़ार की शुरुआत कैसे यहाँ पे हो सकती है करके, मतलब थोड़ा सा जो डर था। डर मतलब क्या होता है भाई, एज ए इन्वेस्टर बाज़ार जितना ऊपर जाएगा ठीक है, उतना ही लॉन्ग टर्म के लिए हम लोगों को बेनिफिट मिलेगा। बट कल लेट नाइट की अगर हम लोग बात करें, विदेश की बाज़ार की बात करें, अमेरिका के बाज़ार की बात करें, हमें ऑलरेडी एक इंडिकेशन मिल चुका था कि आज का जो रंग रहेगा बाज़ार का, वो शायद से काफ़ी समय के बाद हम लोग को लाल देखने को यहाँ पे मिल जाए। और जो हम लोगों का जो डर था वो हकीकत में बदल चुका है। कोई बहुत बड़ा क्रैश, गिरावट, ऐसा तूफान मच गया, ऐसा कुछ भी नहीं। बट हाँ, लाल निशान वापस हम लोग को मार्केट में देखने को मिल गया। 200 पॉइंट की गिरावट सेंसेक्स में। निफ्टी की बात करें तो 80 पॉइंट की गिरावट है ठीक है। नेट गिरावट की बात कर रहे हो, शुरुआत तो काफ़ी बड़े गैप डाउन के साथ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी, बट उसके बाद काफ़ी अच्छा मार्केट ने रिकवर यहाँ पे कर लिया। बट जो हेडलाइन है वो यहाँ पे फाइनल यहाँ पे बन गई कि निफ्टी हॉल्ट, रुक गया निफ्टी। 14 दिन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जो लगातार हम लोग को एक परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा था, उसके बाद फाइनली हम लोग को वो गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल गया। इसके पीछे का रीज़न तो हम लोगों को कल के ही दिन पता चला, ड्यू टू द वीक ग्लोबल मार्केट। सो जैसे कि आपको पता ही है कि यहाँ पे बुल काफ़ी स्ट्रांग है, अभी भी बुल का पगड़ा काफ़ी भारी है ठीक है। अगर हम लोग बेयर की बात करें, बट चलो एटलीस्ट आज के दिन उन्होंने थोड़ा सा लाल रंग तो दिखाने की कोशिश की। दैट्स इट, यही हम कह सकते हैं कि उनकी शॉर्ट टर्म थोड़ी सी जीत देखने को मिल चुकी है। अगर आज के दिन भी अगर वो मार्केट को गिराने में फेल हो जाते हैं, सो मतलब हम क्या ही बोले, बियर का तो कॉन्फिडेंस ही पूरी तरीके से यहाँ पे टूट जाता। सो डेफिनेटली दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों को इस वीडियो से काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिलने वाली है ठीक है। बहुत सारे आप लोगों के जो डाउट्स रहेंगे, एक बिगनर लेवल की सोच होती है ठीक है, जो कि बिल्कुल 100% सही होती है, तो वो भी आपकी सॉल्व यहाँ पे हो जाएंगी। एंड जैसे मैंने हमेशा आप लोगों को बताया है कि लर्निंग कभी भी रुकनी यहाँ पे नहीं चाहिए। हमें लगता है अरे ये तो क्या फालतू की चीज़ें, अरे ये तो बोरिंग चीज़ें हैं ठीक है, ये तो कोई काम की चीज़ नहीं। बट बूंद बूंद से ही सागर बनता है ठीक है। हर एक बूंद को अगर आप ऐसे ही इग्नोर करते जाओगे तो फिर अल्टीमेटली कई समय के बाद आप जहाँ पे थे वहीं पे आप खुद को पाओगे। सो डेफिनेटली जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो हम लोगों ने अच्छे से सीखनी है यहाँ पे। एंड सबसे पहली बात कौन सी कि रीज़न तो हमें पता ही है, अमेरिका का बाज़ार कल के दिन डाउ जोन्स आप देख सकते हैं, हमने चेक किया था तभी 500 पॉइंट डाउन था, बट लेट नाइट और गिर गया, 1.5% तक गिर गया लगभग। आप कह सकते हो 641,000 के नीचे चला गया, 40,950 के नीचे यहाँ पे चला गया। नैसडेक ने तो उससे भी बुरी तरीके से यहाँ पे पिटाई दिखा दी, 3.25% की गिरावट हम लोग को देखने को मिली। वहाँ पे जो टेक्नोलॉजी चिप वाले जितने भी स्टॉक्स थे वो ज़बरदस्त यहाँ पे गिर गए। एंड उसी के साथ साथ हमारा जब गुड मॉर्निंग होता है ठीक है, हम लोग अमेरिका का बाज़ार क्या क्लोज हुआ है वो तो देखते हैं, एंड उसी के साथ साथ जापान का बाज़ार क्या कर रहा है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है। तो जापान का बाज़ार अभी आप देख सकते हो नेट 4.25% यहाँ पे गिर गया। तो यूजुअली ऐसा ही होता है, काफ़ी लोगों ने ये बीच में बोला भी था, सर आप एशियन मार्केट को देखने क्यों नहीं बोल, मतलब देखने नहीं बोलते ऐसा नहीं है, बट अमेरिका का बाज़ार अगर गिर गया ना तो वो इम्पैक्ट एशियन मार्केट के ऊपर आ ही गया ठीक है। तो यही चीज़ें यहाँ पे होती है। एंड इसलिए आप अगर एशियन मार्केट को भी चेक करोगे तो हम लोगों को मैक्सिमम लाल निशानी आज के दिन देखने को मिला, जो कि वेल एक्सपेक्टेड था। सो जैसे कि आपको पता है हमारे बाज़ार की जो ओपनिंग थी वो इसी चीज़ के चलते यहाँ पे होने वाली थी। एंड वापस अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, मतलब आप देख सकते हो निफ्टी फिफ्टी को अगर मैं नीचे लेकर जाऊँ, सो ये प्रीवियस क्लोज था एंड ओपनिंग देखिए काफ़ी बड़ा गैप डाउन देखने को मिला ठीक है। बट उसके बाद आप देख सकते हो बुल का फिर भी कॉन्फिडेंस काफ़ी शानदार था कि ऐसे पिटाई वाले बाज़ार में भी उन्होंने बाज़ार को मतलब वापस ऊपर लेके जाने की कोशिश की है। आप देख सकते हो चार्ट पैटर्न से इजीली समझ में यहाँ पे आ जाता है ठीक है। सो मतलब आप जो बताने का जो कॉन्टेक्स्ट है दोस्तों कि ये प्रूव होते हुए देखने को मिल गया कि अमेरिका का जो बाज़ार हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है दोस्तों ठीक है, कितना शक्तिशाली यहाँ पे होता है। एंड इसीलिए हम लोग जो यहाँ पे एक कोट भी पढ़ते हैं कि अमेरिका का बाज़ार अगर छींकता भी है तो सर्दी पूरे दुनिया को लगती है ठीक है, ये चीज़ हम लोग को प्रूव होते हुए देखने को मिल जाती है। अगर अमेरिकन बाज़ार में इतनी बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिलती तो शायद से हमारे बाज़ार में आज लाल रंग देखने को यहाँ पे नहीं मिलता था। मतलब क्या है कि अमेरिका का जो बाज़ार है कितना इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर तो फोकस यहाँ पे रहना चाहिए। एंड जब भी हम लोग ये चीज़ों को देखते हैं नो डाउट काफ़ी लोगों का गुस्सा काफ़ी जायज़ हम लोग को देखने को मिल जाता है, सर ये क्या बात हो गई कि मतलब हम तो बहुत अच्छा कर रहे थे, हमारे इंटरनली तो कोई इंडियन मार्केट में तो कोई इशू वाली तो खबर आई नहीं, सब कुछ ही बढ़िया देखने को मिल रहा है, तो ये क्या बात हुई कि भाई अमेरिका का बाज़ार भागता है तो हमारा बाज़ार भी भागता है, और अगर वो गिर गया तो हमारा बाज़ार भी गिर गया, मतलब क्या हमारा कोई वजूद नहीं है क्या। तो दोस्तों इससे रिलेटेड जो वीडियो है वो मैं ऑलरेडी यहाँ पे बना चुका था। एंड जैसे मैंने कहा था जिनको बिज़नेस समझ में आता है भाई ठीक है, उनको ये सवाल का जवाब समझ में आ जाता है। देखिए सब कुछ दोस्तों ये बिज़नेस के हिसाब से ही होता है,
सबसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज़ अगर कोई होती है वो कौन सी होती है? ऑब्वियसली पैसा होता है भाई, ठीक है, आप मानो या ना मानो बट हर किसी को यहाँ पे पता ही है, ठीक है। सो पैसा ही यहाँ पे होता है। अगर आप लोग नॉर्मल एग्जाम्पल भी ले लो किस चीज़ का, अगर आप किसी भी गांव का भी एग्जाम्पल ले लो, आपने देखा है ना कि वहाँ पे कोई पैसे वाला साहूकार रहता है, ठीक है, वो कैसे बाकी सारे लोगों के ऊपर दबाव रखता है, किस बेसिस के हिसाब से रहता है? ऑब्वियसली पैसा, उसके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा होता है। और ये रूल हर जगह पे एप्लीकेबल होता है, ठीक है। अगर हम किसी की भी देश की बात कर ले, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन होते? पॉलिटिशियन नहीं होते, बिजनेसमैन होते भाई, उनके पास पैसा है, ठीक है। तो बताने का मकसद क्या है, जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसा है वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है। और जो आप ही कह रहे हो फिर अमेरिका का बाज़ार गिरता है तो हमारा बाज़ार क्यों गिरता है, वो भागता है तो भागता है? ऑब्वियसली इसका सिंपल रीज़न है, अमेरिका के पास दुनिया का 50% पैसा है, आप ऐसा भी कह सकते हो, ठीक है, अनऑफिशियली आप कह सकते हो, ऑफिशियली कह सकते हो, बट इतना ज़बरदस्त पैसा अमेरिका का पूरे दुनिया में देखने को मिल रहा है। सिर्फ हमारे बाज़ार की हम लोग यहाँ पे बात यहाँ पे नहीं कर रहे, अगर मैं आपको छोटे मोटे एग्जाम्पल भी बता दूँ, ठीक है, काफ़ी लोग गुस्सा यहाँ पे हो जाते हैं बट ये फैक्ट है। अब YouTube की बात कर लो, किसका है? अमेरिका का है। Facebook की बात कर लो जो अभी मेटा हो चुका है, अमेरिका का है। Twitter की बात करो जो X हो चुका है, अमेरिका का है। Instagram की बात कर लो, अमेरिका का है। WhatsApp की बात कर ले, आप ये यूज़ करते हो ना सारी चीज़ें, ठीक है, किसका है ये सब कुछ? ये अमेरिका का ही तो हम लोग को देखने को आप मिल जाते हैं। ऐसे और मतलब बहुत सारी चीज़ें, LinkedIn से लेकर बहुत सारी चीज़ें जो पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं वो किसके? अमेरिका के हैं। आप जो ये चीज़ें यूज़ करते हो मतलब क्या है, वो बिजनेस करते हैं भाई, अरबों खरबों में कंपनियां यहाँ पे कमाते हैं, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट से इनकी हम लोगों को अर्निंग होते हुए देखने को मिल जाती है। AI से रिलेटेड जो भी नए नए टेक्नोलॉजी आते हैं वो कहाँ से आते हैं? अमेरिका से ही तो हम लोग को देखने को मिल रहे हैं मैक्सिमम कंपनियां, ठीक है। सेमीकंडक्टर से रिलेटेड नो डाउट ताइवान ने तो बहुत बड़ी टक्कर यहाँ पे दिया बट फिर भी बाकी कंपनियां अमेरिका की ही देखने को मिल जाती है। टेस्ला की अगर हम लोग बात कर ले तो वो भी अमेरिका, एप्पल की अगर हम लोग बात कर ले आपको फ़ोन चाहिए तो वो भी अमेरिका का ही है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट की बात कर ले, आप कंप्यूटर लैपटॉप जो भी ओपन करते हो उसके अंदर अमेरिका का ही माइक्रोसॉफ्ट हम लोग को देखने को मिल जाता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर ले, गूगल की अगर हम लोग बात करें, कुछ भी आप गूगल करते हो अल्फ़ाबेट कौन है? अमेरिका का ही तो है, सब कुछ अमेरिका आप देख सकते हो। पेप्सी को की बात कर ले आप, कोको कोला की अगर हम लोग बात करें, कोल्ड ड्रिंक का पूरा मार्केट इन्होंने ही खा के रखा हुआ है। लेस की अगर हम लोग बात कर ले, चिप्स की बात कर ले, रिटेल की इसमें ई कॉमर्स की बात कर ले तो अमेजोन है। फ्लिपकार्ट की बात कर ले, अरे फ्लिपकार्ट तो सर देखा गया तो ये तो इंडिया का है, हाँ इंडिया का है बट भाई इसकी पेरेंट कंपनी कौन है? खरीद लिया वॉलमार्ट ने 85%, तो ये भी अमेरिका का बन चुका है। नाइकी की अगर हम लोग बात कर ले, इवन अगर हम लोग पैम्पर्स की भी बात कर ले, पैम्पर्स मतलब बेबी डायपर जो हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, वो भी अगर देखा गया PNG, ये कौन सी कंपनी है? अमेरिका की तो कंपनी है, ठीक है। तो मतलब बताने का मकसद क्या है, कंक्लूजन हम लोगों को क्या समझ में यहाँ पे आ जाता है कि जो ये बात है यहाँ पे बोली जाती है ना कि यू कैन लव मी और हेट मी बट आप इग्नोर नहीं कर सकते, तो ये परफेक्ट ये कोट है वो अमेरिका के ऊपर हम लोग को फिट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। काफ़ी लोग गुस्सा हो जाते हैं, ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिख भी देते हैं ये है वो है करके। अरे अब जो जीमेल भी आपने जो लॉगिन किया है वो भी अमेरिका का है, जिसके प्लेटफॉर्म के ऊपर लिख रहे हो वो भी अमेरिका का है। मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको बोला कि जो पूरा पैसा जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फिर घूम फिर कहाँ पे जाता है, वो अमेरिका के ही पास हम लोग को जाते हुए देखने को मिल जाता है। किसी की भी घर की अगर आप तलाशी करोगे इंक्लूडिंग मी, तो आपको 50% से ज़्यादा चीज़ें प्रोडक्ट अमेरिका की ही मिल जाएंगी। आप चाहो तो एक बार चेक कर लेना आपके घर में क्या क्या चीज़ें हैं करके, ठीक है, अमेरिका की रहेगी नहीं तो विदेश की रहेगी। बहुत ही मुश्किल से आपको अपने खुद के कंपनीज स्वदेशी कंपनीज के मतलब प्रोडक्ट्स ब्रांड्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये जो आप जो ये सवाल पूछते हो कि ऐसा क्यों होता है, तो इसके पीछे का लॉजिक ही यही है, ठीक है। जिस दिन इंडिया अपने प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देगी, हो जाएगा हमारा पैसा इधर का इधर ही रह जाएगा। क्यों डिफेंस कंपनियां अभी भागने लग गई, आत्मनिर्भर भारत का नारा दे दिया, वरना सारे पहले तो डिफेंस रिलेटेड सारी चीज़ें जो प्रोजेक्ट्स मिलते थे वो विदेशी कंपनीज को मिलते थे। बस यही एक चीज़ है दोस्तों, अगर ये चीज़ें अगर नॉर्मली हमारे बाजार में मार्केट में भी अगर अप्लाई होने अगर स्टार्ट हो गए तो डेफिनेटली जो पैसा है वो बाहर नहीं जाएगा, हमारे ही देश में यहाँ पे रह जाएगा और फिर हमारी इकोनॉमी भी खुद के ही हिसाब से यहाँ पे चलना यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपको अमेरिका का जैसा डोमिनेंस चाहिए तो आपकी कंपनीज विदेश में जाके बिजनेस करना चाहिए, ठीक है, वहाँ पे जाके आप अपने प्रोडक्ट्स को फैलाओ, अच्छा मार्केटिंग करो, अच्छा बिजनेस करो और पैसा इंडिया लेके आओ, तो आपका भी डोमिनेंस हो जाएगा, आपके मार्केट को देख के फिर दुनिया के बाजार चलेंगे। तो ये इसके पीछे का बहुत ही सिंपल लॉजिक यहाँ पे होता है। और इसीलिए दोस्तों मैंने ये वीडियो भी बनाया था 3 साल पहले, काफ़ी लोगों को पसंद भी आया था कि अमेरिका के बारे में, अमेरिका के मार्केट के बारे में आपको पता होना चाहिए, वरना आप इंडियन मार्केट में पैसा खोओगे, ठीक है। तभी काफ़ी लोगों को पता चला कि क्यों अमेरिका का बाज़ार को देखना, ठीक है, देखना मतलब कोई रट्टा नहीं मारना है बट एक डेली बेसिस के हिसाब से अपडेटेड रहना कि हाँ भाई क्या चल रहा है करके, ये कितना इंपॉर्टेंट है करके। सो ये वाला वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो चलिए इसका लिंक भी मैं ऊपर आई बटन पर दे देता हूँ, तो आपको और भी चीज़ें समझ में यहाँ पे अच्छे से आ जाएगी। तो चलिए कंक्लूजन तो आपको समझ में आया कि अमेरिकन का बाज़ार कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है,
अच्छी तरीके से हम लोग चल रहे थे, उन्होंने यहाँ पे बीच में गिरावट वहाँ पे दिखा दी और इस चीज़ के चलते हमारा बाजार भी गिर गया। ठीक है, अभी वॉट नेक्स्ट? तो ऑब्वियसली अमेरिका का बाजार में अभी आने वाले समय में, ठीक है, अभी आप ये भी सोचोगे ना, तो फिर अमेरिकन बाजार में और कौन से बड़े इवेंट है जिस चीज़ के चलते बाजार में बड़े हलचल यहाँ पे हो सकते हैं, अप्स एंड डाउन्स यहाँ पे हो सकते हैं। तो तीन बड़े फिक्स इवेंट है, अनसर्टन इवेंट की तो बात हम कर नहीं सकते क्योंकि वो सर्टन ही नहीं है, वो कभी भी हो सकते हैं, बट सर्टन मतलब कौन से है? तो जैसे कि आप देख सकते हैं जॉबलेस क्लेम का डेटा हर गुरुवार को आ जाता है, कल भी आएगा, इसके ऊपर फोकस आप लोगों ने यहाँ पे रखना है। 12 सितंबर डेट नोट कर लेना, बिकॉज इन्फ्लेशन का डेटा आएगा किधर? अमेरिका में। सो वो डेटा कैसे आता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बाद इमिडिएटली 17-18 सितंबर को आप सभी लोगों को पता ही है FOMC की बैठक रहेगी, जहाँ पे पॉवेल जी क्या बोलते हैं, ठीक है, उनका फैसला क्या रहता है, ये सारी चीज़ें मायने रखेगी अमेरिकन बाजार कि किस डायरेक्शन में चला जाएगा करके, ठीक है। एंड उसके बाद अगर हम बात करें तो अमेरिका में आपको पता ही है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हम लोग को देखने को मिलने वाले हैं। तो ये तीन बड़े इवेंट कल मतलब आने वाले समय में आप कह सकते हैं अप टू दिसंबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं, ठीक है। इस चीज़ के चलते अमेरिका का बाजार काफ़ी ज़्यादा हम लोग को प्लस माइनस यहाँ पे होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, एंड ये पूरे दुनिया भर के बाजार में उसका प्रभाव डालेगा, सिर्फ हमारे बाजार में नहीं। तो ये पॉइंट भी आपको अच्छी तरीके से पता यहाँ पे होना चाहिए। सो आशा करता हूँ दोस्तों सारी जो चीज़ें थी यहाँ पे मैंने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे कवर की है, वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा, तो आप चाहो तो इसको ज़रूर लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।